हाय एवरीवन, टुडे आई स्टार्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पार्ट सेकंड। पिछले सेशन में कुछ दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इस पार्ट में भी हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं। लेट स्टार्ट। 1 - x - 72x² है ना। तो देखो, पिछले में देखा था कि एक्स स्क्वायर डिक्रीजिंग में जा रही थी, जो भी टर्म्स थी, पावर थी, वो डिक्रीजिंग में जा रही थी, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्यों? -72x² - x - x - x + 1 + 1। ठीक है। अब देखो, यहाँ इसका फैक्टर निकाल रहे थे जब सिंगल टर्म थी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे है तो हमें क्या चाहिए? -72 चाहिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -72 का हमें फैक्टर निकालेंगे। तो देखो, -72x² - 9x + 8x, 8 9 72 - 72 - 9x - 8x गए तो -x बच गया +1। ठीक है। तो देखो, -9x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 8x + 1 बच गया। इसको इससे मल्टीप्लाई, 8 9 = 72 माइनस का माइनस x² माइनस 9x कॉमन ले लिया तो +1। ये और ये टर्म सेम है तो 1, क्योंकि ये ही टर्म यहाँ पे आती है 8x + 1। तो हमारे पास क्या बन गया? -9x + 1 और 8x + 1। ठीक है। इसी तरह से देखो, एक और क्वेश्चन है, ये रहा। 40 + 3x क्या है? 40 + 3x - x². देखो, इसको भी हमें x² + 3x + 40। अब देखो, हमें 40 लेके आना है, माइनस 40 लेके आना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो -x² - x² ठीक है। तो कितना हो गया अपने पास? 40 कितनी बजा? 8 5 = 40 +8x - 3x + 8x - 3x + 40। ठीक है, 8 5 = 40 हो जाएंगे। ठीक है। तो देखो, माइनस एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस एट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइव है ना। -5 कॉमन ले लिया तो x - 8 बच जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना? -5x और माइनस माइनस प्लस 5 8 = 40 तो कितना बच जाएगा? -x - 5 और -x - 8। ठीक है। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।